वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हम क्लास नाइन्थ के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे हम इतने कम समय में, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपका जो स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम होगा वो 15 सितंबर के बाद से कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय है। 20 क्या मान लो आप, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय बचा है, 20 दिन कह लो या फिर इसको 21 दिन कह लो, इतना ही टाइम अपने पास बचा है। तो इस 3 हफ्ते में, यानी इस 3 वीक्स में हम लोग अपनी तैयारी कैसे करें ताकि हम लोग मैक्सिमम परसेंटेज हाफ ईयरली एग्जाम में गेन कर पाएँ, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है आज इसी टॉपिक पे है। तो देखो, अपने पास जो क्लास नाइन्थ है उसमें टोटल हमें 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? तो हमें पढ़ना होता है मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड मान लो आपका कंप्यूटर। ये अपना ऑप्शनल होता है, कहीं कंप्यूटर होता है, कहीं कुछ और होता है। तो टोटल हमें 6 सब्जेक्ट्स के पेपर देने होते हैं। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, यह आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़ा लेंदी होते हैं या फिर क्या लो ये कठिन होते हैं। इनको हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, इनको हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कौन कौन सा? तो मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। देन आते हैं आपके हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, यानी आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। यह ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन हम लोग एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले भी पढ़ के कर सकते हैं। यानी इसमें हम लोग अगर 1-2 दिन पहले भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो इसमें हम अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें और हम थोड़ा थोड़ा डेली हिंदी पढ़ लें, थोड़ा सा इंग्लिश पे टाइम दें और थोड़ा सा हम कंप्यूटर पे टाइम दें, जिसमें हम और भी अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। होता क्या है कि हम लोग हिंदी या फिर इंग्लिश को एग्ज़ाम के सिर्फ और सिर्फ 1 दिन या फिर 2 दिन पहले पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। हम लोग सभी स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हम ना करके इसको हम एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर दें, किसी दिन हमने हिंदी पढ़ लिया तो किसी दिन थोड़ा हमने इंग्लिश पढ़ लिया, किसी दिन हमने थोड़ा कंप्यूटर पढ़ लिया, तो इसमें हम और भी अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो पहला ट्रिक आप सभी के लिए यही है कि आपको क्या करना है, आपको हिंदी और इंग्लिश और अपने ऑप्शनल को, इसके लिए आपको डेली कम से कम आधे घंटे का समय, हाफ आवर का समय आप डिसाइड करें डेली। पहला ट्रिक अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि पहला ट्रिक आप नोट कर लो, अपने दिमाग में नोट कर लो, चाहे आप इसको कहीं पे नोट करके रख लें कि हमें करना क्या है। हमें हाफ आवर डेली के डेली आधे घंटे आज ही से, आपका एग्ज़ाम कब से है, हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है क्लास नाइन्थ का वो 15 सितंबर के बाद से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा टारगेट है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर को, जो अपना ऑप्शनल है हिंदी, इंग्लिश एंड ऑप्शनल, यानी कि जो कंप्यूटर है, इनको आज ही से हम डेली हाफ आवर का टाइम इनके लिए हम अलॉट करेंगे और डेली इनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इससे हमें बेनिफिट क्या होने वाला है कि जहां हम इसको 1 दिन में पढ़ के हम इसमें अगर 90% स्कोर कर पा रहे थे, तो इसको हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे आज से ही, तो इसमें हम हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर में 100% मार्क्स हम स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। यानी 95 से लेकर 100% तक मार्क्स आप इन 3 सब्जेक्ट्स में 100% आप स्कोर कर लोगे अगर आज से आप थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर आपका एग्ज़ाम 50 नंबर का हो रहा है आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में अगर आप आज से पढ़ रहे हैं तो 100% आप 48 नंबर 49 नंबर 45 नंबर तक इसके रेंज में आप पाएंगे, ठीक है। यानी अगर आप डेली आधे घंटे के समय इनको देना शुरू कर दें तो आप इन 3 सब्जेक्ट्स से काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे। यानी जो हमारे सबसे वीक सब्जेक्ट थे, सबसे हमारे इजी सब्जेक्ट्स थे, इनमें हमने अच्छा नंबर स्कोर अब मान लें कर लिया, क्योंकि हम आज से पढ़ना शुरू किया है तो 100% इसमें हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अब मेन जो बात आता है, जो मेन हमारे सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से हैं, मैथ्स है, साइंस और सोशल साइंस है। ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और ये सबसे ज़्यादा कह लो कठिन होते हैं, सभी बच्चों को इनमें दिक्कत होता है। किसी को मैथ्स में अगर दिक्कत नहीं है तो उसको साइंस में दिक्कत है या फिर सोशल साइंस में दिक्कत हो रहा है। किसी को साइंस में और सोशल साइंस में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है। यानी ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर किसी को एक हमारा सही है तो दूसरा हमारा डिस्टर्ब रहता है,
सभी के साथ ये प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था कि मुझे मैथ्स और साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट सोशल साइंस ये पल्ले ही नहीं पड़ता था, समझ ही में नहीं आता था इसमें क्या हो रहा है। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट्स, किसी भी स्टूडेंट्स के तीनों सब्जेक्ट्स स्ट्रांग नहीं होते हैं, जो ये तीन सब्जेक्ट हैं मैथ साइंस एंड सोशल साइंस, कोई दो होगा तो तीसरा नहीं होगा। हो सकता है कि तीनों के तीनों में हमें मन ना लगे, तीनों ही पढ़ने का मन ना करता हो। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये ऐसे हैं कि इन पर हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा इनको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो पूरा का पूरा ये प्लान का डिस्कशन है आपका डेली सिलेबस, इसमें दो घंटे का समय हमें अलॉट करना है, दो घंटे। ऑलरेडी हमने इस प्लान में हाफ आवर यानी कि अपने आधे घंटे किसको दे दिए हैं, तो जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं किनको, हिंदी इंग्लिश एंड कंप्यूटर, इन तीनों को हमने क्या दे दिया, अपना आधे घंटे का समय दे दिया है। अब बचे हमारे पास 1.5 आवर यानी कि अब अपने पास डेढ़ घंटे बचे हैं। ठीक है, इस डेढ़ घंटे को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाफ 45 मिनट का समय हम देंगे मैथ्स के लिए एंड 45 मिनट का हम समय देंगे किसके लिए, तो साइंस एंड सोशल साइंस के लिए। क्योंकि देखो यार, जो मैथ्स होता है आपके डेली प्रैक्टिस मांगता है, हमें इसमें डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब चाहे मैथ्स आपको कितना भी अच्छे से आता हो, अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें आप अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि हमने जो हमारे पास डेढ़ घंटे बचे थे उसमें से 45 मिनट हमने दे दिया मैथ्स को और 45 मिनट हमने दिया किसको, तो साइंस एंड सोशल साइंस को। अब जो हम लोग का हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में सब इन तीनों ही सब्जेक्ट में कम से कम आपके 7 चैप्टर आ रहे होंगे। 7 चैप्टर मैथ के आ रहे होंगे, 7 चैप्टर किसके आ रहे होंगे, साइंस के, और इतने ही चैप्टर आ रहे होंगे आपके सोशल साइंस के। यानी अपने पास कितने हैं, तो अपने पास 21 चैप्टर समय टोटल पढ़ने हैं इन 20 दिनों के अंदर। कितने चैप्टर, तो 21 चैप्टर ऐसे हैं जिनको हमें इन 20 दिन के अंदर हमें पढ़ना है, इनको कवर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम चाह कर भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अच्छा परसेंटेज स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अपने को 21 चैप्टर्स पढ़ना है और टाइम अपने पास कितना है, पूरे के पूरे 20 दिन, यानी कि पर डे कम से कम हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट करें, चाहे साइंस का करें, चाहे सोशल साइंस का करें। तो देखिए, हमारे पास टोटल 45 मिनट हमने मैथ्स को दिया है, 45 मिनट साइंस एंड सोशल साइंस के लिए हमने अलॉट किया है। तो अपने पास मान लो 20 दिन है, 20 दिन में हमें 21 चैप्टर प्रिपेयर करना है, एक मैथ्स का 7 चैप्टर मैथ्स के हैं, 7 चैप्टर साइंस के हैं और 7 ही चैप्टर अपने सोशल साइंस के हैं, इनको हमें कवर करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम मैथ्स तो भाई हम डेली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स को हम अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तैयार होने वाला नहीं है। तो जो मैथ्स के 7 चैप्टर्स हैं इनको हमें अपने हिसाब से इनका मॉड्यूल सेट करना है कि भैया इन 21 दिन में हम मैथ्स को कैसे पढ़ें ताकि हर एक टॉपिक हमारा कंप्लीट भी हो, उसको हम रिवाइज भी कर पाएँ। तो मैथ्स यह अपने हिसाब से आप इसको इसका चार्ट आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका होल सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और रिवाइज कर रहे होंगे। तो अपने हिसाब से अपना वो टाइम शेड्यूल बना लें कि हमें किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है। कुछ आपको मैं हिंट दे सकता हूँ कि जैसे आपके लिए जो क्लास 9th का मैथ है उसमें आपका चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, देन चैप्टर 6 है और देन चैप्टर 7 है। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं साइंस में आपके मैथ्स में जिन पे आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, 2, 6 एंड 7। बाकी जो आपका 3 है 4 है एंड 5 है इनको आप एंड 1 है इनको आप थोड़ा कम टाइम भी देके पढ़ाई इनकी कर सकते हैं। तो आप मान लो कि आप पूरा जो चैप्टर 6 है इसको आप पूरे 4 डेज का समय दें, 4 दिन का समय आप चैप्टर 6 में दें, इसको इसके कॉन्सेप्ट्स को समझें, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करें और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें। देन कम से कम 3 दिन का समय आप दें किसके लिए, चैप्टर 2 के लिए जो कि आपका है पॉलीनोमियल्स। ठीक है, 3 का इसको भी आप 4 दिन का समय दे लो क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है। तो 4 दिन का आप समय दें किसमें, पॉलीनोमियल्स में, जिनको आप कॉन्सेप्ट समझें, क्वेश्चंस को रिवाइज करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लगाएं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर मिल जाए आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर, एनसीईआरटी की 2 बुक्स आती हैं, एक होता है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एक होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो अगर आप सभी को कहीं से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाए तो उसके भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें। देन जो आपका चैप्टर 7 है इसको पूरे पूरे आप 6 दिन इसके लिए निकालें, पूरे 6 डेज आप किसके लिए निकालें, चैप्टर 7 के लिए, इसको आप अच्छे से समझें, पढ़ें और रिवाइज करें। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है और बहुत सारे इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं।
ठीक है। बाकी जो आपके पास ये कितने दिन हो गए, तो ये आपका टोटल हो गया 14 डेज। और हमारे पास कितने दिन बचे हैं अभी, 6 डेज अपने पास रिमेनिंग है, जिनमें आपको पढ़ना क्या है, तो चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं 3, 4 एंड 5, जो काफ़ी कम समय में आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप चैप्टर 1 को थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम दे के पढ़ लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मैथ्स को डिसाइड कर सकते हैं कि मैथ्स को हमें कैसे प्रिपेयर करना है। देन आता है साइंस एंड सोशल साइंस, इनमें अपने पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका आप शेड्यूल अपने हिसाब से तैयार करें। एक दिन आप एक चैप्टर आप पहले साइंस का कंप्लीट करें, देन एक चैप्टर आप सोशल साइंस का कंप्लीट करें, फिर एक चैप्टर साइंस, देन सोशल साइंस। तो अल्टरनेट डेज भी इसको आप पढ़ते रहें। एक दिन आप साइंस पढ़ लें, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें एक या दो दिन समय देकर के, देन उसके बाद से एक चैप्टर आप सोशल साइंस का कंप्लीट करें, फिर एक चैप्टर साइंस, देन सोशल साइंस। इस तरीके से आप अल्टरनेट डेज पे करके इन दोनों को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप बस अपने आप 2 घंटे का अपना एक प्लान तैयार करें, जिसमें हाफ आवर इन सब्जेक्ट्स के लिए, बाकी 1.5 घंटे का समय आपका मेन सब्जेक्ट के लिए, मैथ साइंस एंड सोशल साइंस। तो अगर आप इसको डेली 2 घंटे का समय आप 20 दिन तक फॉलो करते हैं, तो 100% आप मोर देन 90% मार्क्स हाफ ईयरली में स्कोर कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। सब बाल इतना बोले।